हेलो एंड वेलकम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं रिमी। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत ही सुपर डुपर गॉर्जियस नेक डिज़ाइन, जिसको मैंने एकदम प्लेन लॉन्ग सूट के ऊपर किया है, बट आप इसको कोई भी प्लेन ड्रेस के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, और ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ एकदम प्लेन एक सूट के ऊपर कर रही हूँ, बट आप इसको कोई रेडीमेड कुर्ती या सूट के ऊपर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेंट करने से पहले इसके नीचे कोई भी थिक इस तरीके की कार्डबोर्ड या फिर आप आर्ट पेपर रख सकते हैं या फिर फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कलर की यहाँ एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फैब्रिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। सिल्क टाइप के कपड़े के ऊपर ये थर्ड है, ये है फेमेटल कलर से भी मेटालिक कलर, इसमें थोड़ी ग्लिटरी शाइन होती है। तो सबसे पहले यहाँ साइड पे मैंने पेंसिल से आउटलाइन कर लिया है, बट डिज़ाइन की कोई आउटलाइन नहीं किया है, बस पेंसिल से और स्केल से साइड पे, क्योंकि इसके नीचे लंबाई में इसकी ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए आप पहले ज़रूर इसको मार्क कर ले स्केल से। और कलर यहाँ मैं एकदम लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ड्रेस ऑलरेडी एक डार्क कलर की है। आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, डार्क कलर के ऊपर हमेशा लाइट कलर से पेंट करें और लाइट कलर के ऊपर हमेशा डार्क कलर से पेंट करें। तो यहाँ मैं 0 नंबर राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और कलर है ये लेमन येलो, एक्रेलिक कलर है ये। तो अभी ये जो दोनों था, दोनों के बीच में जो गैप था, वहाँ मैं यहाँ ये बना रही हूँ। अब जितना ब्रॉड चाहते हैं, अब अगर आप 2 नंबर की राउंड ब्रश यूज़ करेंगे या 4 नंबर, तो ये और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी, बट मुझे लगता है कि ये एकदम परफेक्ट है। आप 0 नंबर राउंड ब्रश यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मुझे लगता है ये सही है। आप ब्रॉड भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। बहुत इतना आसान डिज़ाइन है, ऑनेस्टली इसको कोई भी बना सकते हैं, और बनाने के बाद ये इतना खूबसूरत है, मैं ज़रूर वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी आपको ये पहनने के बाद। और इसको पेंट करने के पहले अब डरने की कोई बात नहीं कि इसको ये कलर है ये आफ्टर वॉश क्या हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब हाथ से इसको वॉश करें। तो अब हमें साइड पे भी करना है, ये साइड पे मैंने पहले नहीं की थी, और यहाँ मैंने स्टिचिंग के लिए भी थोड़ी सी स्पेस रख के फिर पेंट कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से, अगर आप फ्रेम का यूज़ करेंगे और ड्रेस अगर आपको बहुत पतली टाइप की, अगर आप ड्रेस की क्वालिटी है तो आप क्या करने फ्रेम का अगर यूज़ करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पतली ड्रेस के ऊपर आप ये कार्डबोर्ड के रखते हुए आप पेंट करेंगे ना, तो ज़्यादा कलर पीछे की साइड में आ जाएगी, बैक साइड पर आ जाएगी। और मैं ज़्यादा कॉटन के ऊपर करती हूँ, ये मेरी कॉटन का एक कपड़ा है। तो पतले कपड़ों के ऊपर पेंट करने से पहले ज़रूर फ्रेम का यूज़ करें। और यहाँ मैं फ्लैट ब्रश से इस तरीके की चिकर पेंटिंग को कर रही हूँ इसके अंदर। ये फ्लैट ब्रश 8 नंबर की मैंने यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी टफ है तो आप सर्कल भी बना सकते हैं ब्रश भी बैक साइड पे कलर लेके। जहाँ मुझे थोड़ी सी लाइट लाइट लग रही थी तो वहाँ मैंने फिर से डबल कोट कर दिया है। कलर ब्रश में बहुत क्वांटिटी में बहुत कम लेके कलर यूज़ करें, नहीं तो बाद में वो बहुत हार्ड हो जाती है। अब साइड पे हमने जो पेंसिल से मार्क करके रखी थी ऑब्वियसली स्केल से, तो यहाँ लाइट ग्रीन कलर से यहाँ मैं भी शेप टाइप की कर रही हूँ इस तरीके से। दोनों साइड पे होगा, नीचे भी होगा इस तरीके से। तो यहाँ इसके ऊपर एक रेड डॉट, और कलर भी बहुत ज़्यादा मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ सारे वी के ऊपर छोटी छोटी रेड डॉट, बस साइड की हमें तो ख़त्म हो गई। अब हमें चलना है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाली खाली है। तो इस तरीके से आप सेम कलर से इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ पेंसिल से पहले मार्क कर सकते हैं, मैंने यहाँ पहले पेंसिल से ये देख सकते हैं, मैंने लंबा सा एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, इसके ऊपर ही शेप ये वी शेप को करना है। इसलिए लाइट ग्रीन और ये वी शेप साइड पे है तो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसलिए। और देख सकते हैं कितना आसान डिज़ाइन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना। मैं बहुत ही जल्दी एक बेडशीट के ऊपर डिज़ाइन दिखाऊंगी। बहुत दिन से आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट एक डिज़ाइन ऑलरेडी है, आप उसको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं।
আর বাঙালি হলে তোমরা বাংলায় কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও বলতে পারো, সব প্রশ্নের উত্তর বাংলায় পেয়ে যাবে। এইসব ড্রেসের কাটিং স্টিচিংয়ের ভিডিও মাঝে মাঝে আমি ব্লগ চ্যানেলে দিয়ে থাকি, তো ওই চ্যানেলের লিঙ্কটা, বাংলা চ্যানেলের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে। তো ইস তরিকে সে পুরা কমপ্লিট করনা হ্যায় যাহা যাহা গ্যাপ হ্যায়। পেন্ট করনে কে বাদ 24 আওয়ার্স কে লিয়ে ইসকো এসে রাখ দিজিয়ে, উসকে বাদ ইয়ে তো কমপ্লিট হো গই হ্যায়, আব বাস ছোটি ছোটি ডটস। তো ইসকে বাদ 24 আওয়ার্স কে বাদ ইসকো ব্যাক সাইড পে একবার প্রেস কর লিজিয়ে, বাস খতম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং, হ্যাভ আ ভেরি ভেরি গুড ডে, টেক কেয়ার, সি ইউ সুন, বাই।